हमारे गुलाब जामुन तैयार हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। इसे हम बादाम से गार्निश करेंगे। अगर आपको मेरी ये गुलाब जामुन की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल हेल्थ इंडिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, हेल्थी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हलवाई जैसे काले रसगुल्ले घर पर। इसके लिए मैंने ये 500 ग्राम मावा लिया है। ये मावा मैंने कद्दूकस करके रख लिया है जिससे इसमें अंदर गांठ ना रहे। ये मैदा लिया है 500 ग्राम मावा के लिए मैंने 100 ग्राम मैदा और उसमें 2 चम्मच सूजी डाली है और ये 750 ग्राम चीनी। ये रसगुल्लों में अंदर देने के लिए किशमिश और ये चाशनी में डालने के लिए केसर और ये बेकिंग सोडा, इसे हम आधा चम्मच डालेंगे। जब भी आप रसगुल्ले बनाएं, यदि आप 1 किलो मावे के रसगुल्ले बना रहे हैं तो उसमें आप 200 ग्राम मैदा और 50 ग्राम सूजी डालें और 1 किलो मावे के रसगुल्ले बनाने के लिए आप 1.5 किलो चीनी की चाशनी बनाएं और उसमें 1.5 किलो ही पानी डालें। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हम 1 बड़ा भिगोना लेंगे, उसमें 750 ग्राम चीनी डालेंगे और 750 ग्राम ही पानी डालेंगे और चाशनी हम 1 तार की तैयार करेंगे। ये हमारी चाशनी तैयार हो गई है, इसे हम 1 तार की बनाएंगे। चाशनी को हम इस तरह चेक करके देख लेंगे। अभी हमारी चाशनी तैयार नहीं हुई। ये भी हम ये रसगुल्ले बनाने के लिए इसका आटा तैयार करेंगे। हम मैदा और सूजी को छन्नी में छान लेंगे। इसमें मावा डाल लेंगे। ये मावा हमने कद्दूकस करके रख लिया है। इसमें हम आधा चम्मच ही बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसका एक पतला डो तैयार करेंगे। ये हमारी 1 तार की चाशनी तैयार है। इसमें हम 3-4 धागे केसर के डाल लेंगे और इसे ढककर रख देंगे। ये हमारा रसगुल्लों का आटा तैयार है। अगर आपको अपना डो ज़रा टाइट दिखाई दे तो आप उसमें 2 चम्मच पानी या दूध डाल सकते हैं। दो ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। अब हम इसके नींबू के आकार के रसगुल्ले बनाएंगे। ये हमारा तेल गर्म हो गया है। यहाँ पर मैं रिफाइंड यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें देसी घी भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने नींबू के आकार के रसगुल्ले बना कर रख लिए हैं। अब हम इसमें तलेंगे। तेल को हम, ये हमारा तेल गर्म हो गया है, रसगुल्लों को हम मीडियम आंच पर तलेंगे। तेल ज़्यादा गर्म करेंगे और ना ही लो आंच पर रखेंगे। एक एक करके ये सभी रसगुल्ले हम तेल में डाल देंगे और उन्हें हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। रसगुल्ले आप जब भी तले मीडियम आंच पर तले। अगर आप तेज आंच पर रसगुल्ले तलेंगे तो आपके रसगुल्ले अंदर से कच्चे रह जाएंगे और अगर आप ज़्यादा मंदी पर तलेंगे तो आपके जो हमारे रसगुल्ले हैं ये ज़्यादा तेल पी जाएंगे और उनमें तेल तेल ज़्यादा हो जाएगा। ये हमारे गुलाब जामुन तैयार हैं। इन्हें हम एक प्लेट पर निकालेंगे।
इस तरह अपने सभी गुलाब जामुन तलेंगे और 30 मिनट के लिए हम इसे चाशनी में डुबो कर रख देंगे। गुलाब जामुन गरम गरम गुलाब जामुन हम चाशनी में डाल के रख देंगे और 30 मिनट में हमारे गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे। हमारे गुलाब जामुन तैयार हैं, ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। इसे हम बादाम से गार्निश करेंगे। अगर आपको मेरी है गुलाब जामुन की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल हेल्थ इंडिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।